अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम लोग उर्दू का सबक सच की जीत पढ़ेंगे। ये हमारा बाब नंबर 9 है और सफ़ा नंबर 35 पर हमारा ये सबक है। इसके नए अल्फाज हैं यतीम, बगदाद, अचानक, आफला, अशरफिया, अब्दुल्कादर जिलानी, हुक्म, शर्मिंदा। यतीम वो होता है जिसका बाप ना हो, उसे कहते हैं यतीम। बगदाद एक शहर का नाम है, अरब के शहर का नाम। अचानक यानी कि एकदम से। काफला यानी कि ऐसा एक काफला जहाँ पे जिसमें बहुत सारे लोग मौजूद हों, वो कहीं सफ़र कर रहे हों, उसे कहते हैं काफला। अशरफिया जैसे हमारे यहाँ पैसे होते हैं, ऐसे अरब में पहले अशरफियाँ चलती थी। हमारे यहाँ के पैसों को रुपए कहते हैं, उनके यहाँ अशरफियाँ कहते हैं। अब्दुल्कादिर जिलानी एक शख्स का नाम था, अल्लाह ताला के बहुत पहुँचे हुए, बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, नेक, ठीक है, और हुकुम, शर्मिंदा। अरब के गांव में एक यतीम लड़का रहता था, उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। उनके गांव में कोई मदरसा ना था, इसलिए उसकी माँ ने पढ़ने के लिए बेटे को बगदाद भेजने का फ़ैसला किया और ख़र्चे के लिए 40 अशरफियाँ उसके कुर्ते में सी दी। जब वो जाने लगा तो माँ ने उसे नसीहत की, बेटा तुम हमेशा सच बोलना, क्योंकि अल्लाह और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही हुक्म है। वो लड़का एक काफ़िले के साथ बगदाद रवाना हुआ। अब इस कहानी में क्या बताया जा रहा है कि अरब में, ये एक सच्ची कहानी है, अरब के गांव में एक यतीम लड़का रहता था। यतीम वो जिसके माँ बाप नहीं होते, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने लिखने का तो शौक़ तो था, लेकिन वहाँ पे कोई मदरसा नहीं था जहाँ पे तालीम हासिल की जाती है, जहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ स्कूल होते, वैसे पहले मदरसे हुआ करते थे, वहाँ दीनी तालीम भी देते थे और दुनियावी तालीम भी देते थे, तो कोई मदरसा नहीं था। इसलिए उसको शौक़ तो बहुत था, इसलिए उसकी माँ ने क्या फ़ैसला किया कि इसको पढ़ने लिखने के लिए बगदाद भेज दिया जाए। बगदाद में बहुत सारे मदरसे होते थे, बहुत सारे मकतब हुआ करते थे, तो माँ ने उसे बगदाद भेजने का फ़ैसला किया। वहाँ पे बच्चों को दीनी तालीम दी जाती थी, तो माँ ने उसको ख़र्चे के लिए 40 अशरफियाँ दी और अशरफियाँ उसके कपड़ों में सी दी, सिलाई से उसके कपड़ों में सी दी ताकि महफूज रहे। जब वो जाने लगा तो माँ ने उसे क्या नसीहत की कि बेटा हमेशा सच बोलना, तुम हमेशा सच बोलना, क्योंकि अल्लाह और हमारे नबी का भी यही हुक्म है। वो लड़का एक काफ़िले के साथ बगदाद रवाना हो गया। लड़के ने नसीहत अच्छी तरह सुन ली और समझ भी ली। जब वो एक काफ़िले के साथ बगदाद रवाना हुआ, पहले जब लोग एक शहर से दूसरी जगह सफ़र करते थे तो एक काफ़िले की सूरत में करते थे, एक अकेला बंदा सफ़र नहीं करता था, साथ काफ़िला, पूरा काफ़िला एक जगह जमा होता था, फिर वो सब एक साथ सफ़र किया करते थे। जैसे कि हमारे हवाई जहाज़ से जब जाते हैं कहीं पर, तो बहुत सारे लोग हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं, कोई एक बंदा तो खाली हवाई जहाज़ में नहीं सफ़र करता ना, एक साथ बहुत सारे लोग हवाई जहाज़ में पहले सब जमा होते हैं एयरपोर्ट पर, फिर सब टिकट वगैरह होता है सबका, फिर इमिग्रेशन होता है, फिर इसके बाद सब हवाई जहाज़ में बैठते हैं एक साथ, फिर हवाई जहाज़ एक साथ सबको लेकर प्रवास कर जाता है। इसी तरह पहले पूरा काफ़िला होता था, काफ़िले के लोग इकट्ठे होते थे, फिर काफ़िला रवाना हुआ करता था। तो लड़का भी काफ़िले के साथ बगदाद रवाना हुआ। काफ़िला थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक डाकू आ गए। एक डाकू ने लड़के से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? काफ़िला थोड़ी सी दूर गया था, ज़्यादा दूर भी नहीं चला था। पहले ज़माने में ये होता था कि काफ़िले को ना डाकू लूट लिया करते थे, तो डाकू आ गए। उन्होंने उस लड़के से पूछ लिया कि तुम्हारे पास क्या है। लड़के ने जवाब दिया, मेरे कपड़ों में 40 अशरफियाँ सिली हुई हैं। तो बेटा, उस लड़के ने क्यों बताया 40 अशरफियाँ सिली है? क्योंकि उसकी माँ ने उसे क्या कहा था कि हमें हमेशा सच बोलना। क्यों कहा था? क्योंकि अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही हुक्म है। उस लड़के ने इस नसीहत को गौर से सुन लिया था और उस पर अमल भी किया, उसने झूठ नहीं बोला बिल्कुल भी उसे, वरना तो लोग छुपा लेते ना, छुपाने के लिए तो माँ ने कपड़े में अशरफियाँ सी के दी थी, लेकिन उस बच्चे ने सच बोल दिया क्योंकि डाकू ने उससे पूछ लिया। लड़के ने जवाब दिया, मेरे पास 40 अशरफियाँ सिली हुई हैं। ये सुनकर डाकू का सरदार तो हैरान रह गया, कोई बताता थोड़ी है, कोई छुपाता है, कोई चीज़ छुपा के लेके जा रहा होता है और उसकी अपनी चीज़ें उसकी हिफाजत रहे तो कोई बताता तो नहीं है, लेकिन उस लड़के ने सच बोल दिया। डाकू का सरदार भी हैरान रह गया, कैसे बता दिया।
उसने लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी। फिर उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं इल्म हासिल करने बगदाद जा रहा हूँ। सरदार ने पूछा, तुमने सच ही बोला? लड़के ने जवाब दिया, मेरी माँ ने कहा था हमेशा सच बोलना, और यही अल्लाह और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाहते हैं। लेकिन लड़के ने हमेशा हर बात का सही सही जवाब दिया। ये सुनकर डाकू का सरदार बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने अपने गुनाहों से तौबा की और लोगों का सामान भी वापस कर दिया। कई लड़के की सच बोलने की वजह से एक डाकू शर्मिंदा भी हो गया और जो है उसने अपने गुनाहों से तौबा भी कर ली। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला इस तरह सिखाते हैं कि किसी को अगर सबक देना चाहे, किसी को अगर सुधारना चाहे, किसी को अगर हिदायत देना चाहे, तो एक छोटे से लड़के की वजह से ही जो है उस डाकुओं के सरदार को अल्लाह ताला ने हिदायत दी और वो शर्मिंदा भी हुआ, से लोगों का साजो सामान भी वापस कर दिया और अपने गुनाहों से भी तौबा कर ली, लोगों का सामान भी उन्हें वापस कर दिया। तो बेटा अब सफ़ा पलटे हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है कि यतीम लड़के का क्या नाम था? बता सकते हैं क्या नाम था? यतीम लड़के का नाम था शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी। 40 अशरफियाँ कहाँ से ली हुई थी? 40 अशरफियाँ लड़के ने 40 अशरफियाँ लड़के के कपड़ों में सिली हुई थी। लड़के ने डाकुओं से सच क्यों बोला था? इसलिए कि इसकी माँ ने उसको नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना, अल्लाह और उसके रसूल का भी यही हुक्म था। डाकुओं का सरदार क्यों शर्मिंदा हुआ? डाकुओं का सरदार इसलिए शर्मिंदा हो गया कि इतना छोटे से बच्चे ने अपने पैसे बचाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ सच बोला, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है। ठीक है।